भाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम, सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार इंदौर, सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार गुड़गांव, सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार भजनपुरा दिल्ली। ओम नमः शिवाय श्री वीतरागाय नमः ओम नमो अरदेव परेशी मदेशी पारस शंकराय दत्तकुल गुरुगाय सर्वोय सिद्धाय बुद्धाय परमात्माय परमसाय त्रिलोक महिव्याप्ताय अनंत संसार सर्वचिवरभयम् सर्वदृष्टभयम् सर्वमृगभयम् सर्वपदचक्रभयम् महानुभाव जीवन में जन्म तो आपने बहुत देखे हैं, लेकिन जन्म कल्याणक देखने का अवसर जीवन में जल्दी से किसी को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जन्म कल्याणक मात्र तीर्थंकरों का होता है, और वह भी उनका इसलिए होता है
क्योंकि वह जन्म लेते ही हैं लोगों के कल्याण के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए। इसलिए तीर्थंकर भगवानों का जो जन्म होता है वह जन्म नहीं अपितु जन्म कल्याणक हो जाया करता है। भारत देश में प्रति सेकंड में, प्रति मिनट में अनेक जन्म होते हैं, लेकिन वह जन्म किसके लिए मंगलकारी होंगे यह मालूम नहीं। लेकिन तीर्थंकर भगवान का जो जन्म होता है वह एक लोक के लिए नहीं बल्कि तीनों लोगों के लिए मंगलकारी होता है। और एक समय जब उनका जन्म होता है तो सारे लोगों में शांति का अनुभव हो जाता है, सारे बैर विरोधी लोग भी आपस में सारा बैर विरोध भूल जाया करते हैं। क्यों? क्योंकि वह शख्स हैं, वह शख्सियत हैं जो जन्म लेने के बाद लोगों का कल्याण करने का प्रयास कर रहे हैं। लौकिक भाषा में आजकल की पद्धति में यदि किसी का जन्म होता है, एक साल बाद जन्मदिन मनाया जाता है, तो आप क्या करते हैं? यदि लौकिक भाषा में यदि देखा जाए तो जन्म होता है, जन्म के बाद जन्मदिन आदि मनाया जाता है, चाहे पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे दसवां हो, चाहे पच्चीसवां हो, चाहे पचासवां हो, उस जन्मदिन को मनाते हैं तो किस तरह से मनाते हैं? अरे किसी ने जन्मदिन मनाया नहीं, कैसे एकदम घूर के देख रहे हो सारे, कभी पार्टी में नहीं गए किसी? कैसे जन्मदिन मनाते हैं कि वहां पर पहले केक को लाया जाता है, केक को लाने के बाद मोमबत्ती लगाई जाती है, और मोमबत्ती कितनी लगाई जाती है? जितने साल का हो रहा है उसके बाद में मोमबत्ती को क्या करते हैं? बुझाई जाती है। बुझाने के बाद लोग जोर जोर से क्या बोलते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलते समय, मोमबत्ती बुझाते समय सारा मुंह का थूक केक पे गिर गया। हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते समय सारा केक के ऊपर थूक गिर गया। उसके बाद में उस केक को लोग माथे पर लगा लगा के नाच नाच कर खा रहे हैं। मैं सोचता हूं कैसा देश चल गया कि जहां पर जूठा जूठा मुंह का थूक भी निकल रहा है और उसको लोग नाच नाच के खा रहे हैं। इसके विपरीत जब किसी संत का जन्मदिन होता है या भगवान का जन्म कल्याणक मनाया जाता है तो वहां पर उतने दीपक बुझाए नहीं जाते बल्कि उनके उतने दीपक को जलाया जाता है, और जलाने के बाद में क्या होता है? जन्म कल्याणक मनाया जाता है, क्योंकि ये अंधेरे से रोशनी की ओर जा रहे हैं। और उस दिन लड्डू बांटे जाते हैं, मिठाई बांटी जाती है, काटा नहीं जाता है। काटा शब्द का तो उच्चारण करना ही गलत है। यदि आप संतों को चौके में आहार भी दे रहे हैं तो उस समय ये बोलिए सेव बनाकर लाइए, सेव काट कर लाइए मत, काटना शब्द ही गलत है। संतों के पास क्या आप लौकिक में ग्रस्त में रहते हो तो वहां पर बनाने का बनारना शब्द का उपयोग करें, ना कि काटने का उपयोग करें, क्योंकि हमारी जगह में काटने की पद्धति नहीं है, बनाने की पद्धति है। जो आज की परिस्थिति, आज की जो व्यवस्था चल रही है, और आजकल तो जन्मदिन मनाने का तरीका अलग हो गया, जैसे 5 तारीख का जन्मदिन है तो लोग 4 तारीख की रात को 12 बजे के बाद घर से निकल जाते हैं और क्या करते हैं, 5 तारीख को 12:01 पे 2 मिनट पे क्या करते हैं, गाड़ी के बोनट पे क्या होता है, पेड़ के नीचे गाड़ी के बोनट पर केक रख के लोग वहां पर जन्मदिन मनाना चालू कर देते हैं। ऐसे एक बार एक हादसा हुआ, 5-6 दोस्त जन्मदिन मनाने पहुंचे, पेड़ के नीचे गाड़ी की बोनट पर केक को कटा काया पिया, और जो ड्राइव कर रहा था दोस्त, और एक एक करके सबको छोड़ता जा रहा था, एक एक करके सबको छोड़ता जा रहा था। उसने अपने 5 दोस्त को छोड़ दिया, उसको लगा अब मेरी गाड़ी पे कोई नहीं होगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक आदमी बैठा हुआ है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम लोग तो 6 लोग चले थे, 5 को मैंने छोड़ दिया, अब 6वां मैं हूं, एक आदमी कैसे आ गया? उसने बोला आप कौन हो? उसने कहा मैं भूत हूं। उसने बोला आप कौन हो? बोले मैं भूत हूं। बोले आप मेरी गाड़ी में कैसे आ गए? बोले रात के 12 बजे के बाद घूमने फिरने का अधिकार मेरा है, तुम्हारा नहीं है, तो जब तुम घूमोगे तो तुम्हारी गाड़ी में मैं नहीं हूं तो कौन आएगा? रात के 12 बजे के बाद घूमने का अधिकार मनुष्यों का नहीं, भूत प्रेतों का है। तो यदि आप रात के 12 बजे के बाद घूम फिर रहे हो तो अपने आप को भूत पिशाच समझना। तो ये स्थिति चल रही है संसार में और यही हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि आज भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव है, और जन्म कल्याणक जो होता है वह सभी के कल्याण के लिए होता है। भगवान के जन्म कल्याणक के माध्यम से निश्चित रूप से माता पिता धन्य होते हैं जो जन्म देते हैं,
लेकिन वह माता पिता तो धन्य पहले ही हो गए, लेकिन वर्तमान में यदि माता पिता सुधर्म कुबेर ईसा निशान आदि आदि बुआ सौभाग्यवती जो बन रही हैं, वह भी निश्चित रूप से पुण्य के भागी हैं कि तीर्थंकर की जनन कल्याण को देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। पांडुशिला पर जब शोधर्मेंद्र अपनी इंद्राणी के साथ जाकर भगवान जी का अभिषेक करते हैं तो मन में ऐसा हर्ष होता है, ऐसा हर्ष होता है कि जीवन में ऐसा अवसर पता नहीं कब आएगा कि जन्म कल्याण का महोत्सव आएगा। और पांडुशिला पर आज तक तो लोग देखते थे कि वह व्यक्ति सौधर्म इंद्रदानी बनकर अभिषेक कर रहा है, लेकिन साक्षात सौधर्म इंद्रदानी अपने हाथ से भगवान को लेकर अभिषेक करते हैं तो उनके जीवन की पुण्य की महिमा अलग ही हो जाया करती है। तो आज यह जन्म कल्याण का महोत्सव है, इस जन्म कल्याण महोत्सव पर आप सोचे गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज हम लोग बताया करते थे कि तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म देना आज की युग में संभव नहीं है, लेकिन आज के युग में तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म देना नहीं है लेकिन आज के युग में यह तो संभव है। आज के इस कलिकाल में युग में यह तो संभव है कि हमारा जो बालक बालिका है वह तीर्थंकर के सेवक बन जाए, गुरुओं का सेवक बन जाए, यह तो हमारे यहां पर संभव है। तो प्रयास करें कि भगवान का तो जन्म कल्याण हो गया लेकिन हमारे यहां पर आने वाला संतान ऐसा हो जो कम से कम अपना कल्याण करे और लोगों की अच्छी राह पर ले जाने का प्रयास करे। आज आप कहते हो कि महाराज हमारा इतना पुण्य नहीं है कि हम आदिनाथ जैसी संतान को जन्म दे सके, हमारा इतना पुण्य नहीं है कि हम आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज जैसे संत को जन्म दे सके, लेकिन आपके जीवन का इतना तो पुण्य है कि आप आदिनाथ भगवान आचार्य सिद्धांत सागर महाराज के सेवा करने वाले संतान को जन्म दे सकते हो, उनके जन्म को सार्थक कराने का प्रयास कर सकते हो। आपके घर में जन्म लेने के बाद यदि कोई बालिका जन्म ले रही है तो पहले दिन से भावना बना कि जब ये बालिका 8 साल की हो जाए तो 8 साल के होने के बाद इसके हाथ में सबसे पहले भगवान का कलश आए और कलश आने के बाद मंदिर जी में श्री जी का अभिषेक करे, उसके बाद जाकर गुरु को जहां पर विराजमान हो उनको जाकर आहार देने का प्रयास करे। तो समझ के चलना कि आप बालिका का पुण्य लाभ करा रहे हो। आपके बालक का जन्म होता है तो प्रयास करें कि मेरा बालक जब जन्म लेने के बाद ऐसा काम करे कि जब मुनि महाराज पदविहार कर रहे हैं तो उनके हाथ का जो कमंडल है मेरे बालक के हाथ में हो और वो उनके पदविहार में सम्मिलित हो, तो समझ के चलना कि आपके बच्चे का कल्याण की राह पर चल रहा है। लेकिन आज परिस्थिति विकट है और समस्या बहुत निकट है, उसका कारण यही है कि हम लोग जन्म का दृश्य कई बार देखते हैं, जन्म कल्याण को कई बार मनाते हैं, जन्म कल्याण की क्रियाओं को कई बार करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ पा रहा। उसका कारण है कि जन्म कल्याण को दृष्टि को हम बस नैनों से देखते हैं, अपने अंतरंग की चक्षु से नहीं देखते हैं। और जो व्यक्ति इनको अंतरंग की चक्षु से देख लेता है उसके जीवन का अपना कल्याण हो जाता है। तो जन्म होने के बाद अपने बच्चों को शिक्षा दें, ज्ञान दें, संस्कार दें, लेकिन उसके साथ में ये भी कहें कि आपने जैन कुल में जन्म लिया है। और जैन कुल में जन्म लेने के बाद आपको पता है जैन कुल की विशेषता क्या है? आप लोगों ने जैन धर्म में जन्म लिया, आपकी क्या विशेषता है, क्या खास है आप में? अहिंसा है। अहिंसा तो कई हिंदू लोग भी कर लेते हैं, अहिंसा पालन तो क्या खास है? देखिए जैन कुल में जन्म लेने के बाद आपके जैन धर्म में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब मैं रास्ते में विहार करता हूं तो मुझे मांगने वाले कई लोग मिलते हैं। कोई किसी भगवान के नाम से मांग रहा है, कोई किसी भगवान के नाम से मांग रहा है, कोई किसी भगवान के नाम से मांग रहा है, लेकिन मैं दावे से कहता हूं, गर्व से कहता हूं कि मैंने इस कुल जन्म में जन्म लिया है जहां पर आज तक कोई भिखारी भगवान महावीर स्वामी के नाम पर दे दे ऐसा कटोरा लेकर मांगते हुए नहीं बिका आज तक। ये हमारी सबके जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। हर धर्म का आपको मांगते हुए मंग जाएगा, आप दुकान पर बैठते हो आपके लिए चंदा मांगने कई लोग आ जाएंगे, लेकिन दिगंबर जैन धर्म का आदमी कभी भी कहीं पर चंदा मांगने नहीं जाता, क्योंकि यहां पर भगवान महावीर स्वामी ने, भगवान पारसनाथ ने आपको देना सिखाया है, लेना बिल्कुल भी नहीं सिखाया। एक बार ट्रेन में 4 मित्र सफर कर रहे थे, एक व्यक्ति ने बताया, 4 जात के थे, एक व्यक्ति ने बताया कि हमारे यहां पर क्या होता है, लंगर लगता है, लोग सैकड़ों लोग फ्री खाना खाते हैं। एक व्यक्ति ने बताया हमारे यहाँ हॉस्पिटल खुलती हैं, वहाँ पर लोगों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। एक व्यक्ति ने कहा हमारे यहाँ विद्यालय खोले जाते हैं और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराई जाती है। तीनों कुछ कुछ बोल रहे थे, जेनी कुछ बोला ही नहीं। तीनों कुछ कुछ बोल रहे थे, हमारा जेनी कुछ बोला नहीं। जेनी ने क्या बोला, बोले तुम लोग क्या करते, बोले जेनी क्या करता है। उस जैन व्यक्ति ने 1 रुपये का सिक्का जेब से निकाला,
उस जैन व्यक्ति ने एक रुपए का सिक्का जेब से निकाला और कहा तुम यह सिक्का लेकर चले जाओ और जो जैनी कटोरे में मांग रहा हो उसके कटोरे में सिक्का डाल के आ जाना, फिर मैं बता दूंगा कि जैनी आदमी क्या करते हैं। वह तीन दोस्त पिछले 100 साल से गए हैं, आज तक लौट कर नहीं आए क्योंकि उनको वह सिक्का मांगने वाला आज तक मिला ही नहीं है, क्योंकि यहां पर सिर्फ देने की बात होती है, लेने की नहीं। और हमारे यहां पर मंदिर में पहले चढ़ाया जाता है उसके बाद में मुंह में डाला जाता है, तो ऐसे हमारे जैन धर्म के संस्कार हैं। आज भगवान का जन्म कलक महोत्सव है, आप सभी लोग अपने जीवन में आने वाले जो परिवार में संतान हैं उनका भी जन्म ऐसा हो कि वह दूसरों का कल्याण करे, अपना कल्याण करे, यही मंगल भावना रखे, यही मंगल सुभावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन CA, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।